ये दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया, तीसरे पड़ाव की तैयारी जोर शोर से कीजिए, भगवान के चरणों में प्रार्थना कीजिए और आप तीसरा पड़ाव भी पूरा कराएं, निर्विघ्न कराएं और भजन भगवान मेरी नाव के मल्ला बन जाओ। भजन नंबर बताइए 122 122 122 नंबर। हे भगवान मेरी नाव के मल्ला जिंदगी की राह बन जाओ। अंधेरे में भटकती जिंदगी की राह बन जाओ। पद्मनाथ मेरी नाव के मल्लाह बन जाओ। मल्लाह बन जाओ। बड़ी भारी मुसीबत की बलाओं से घिरा में भटकती जिंदगी की राह बन जाओ। पद्मनाथ मेरी नाव के मल्लाह बन जाओ। पद्मनाथ मेरी नाव के मल्लाह बन जाओ। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। 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 जय कल्कि जय जगतपते जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति।
भटकती जिंदगी राह बन जाओ, अंधेरे में भटक
मन से जुड़ गई जो जिंदगी की खूबसूरत है, नहीं तो मझधार में महाराज आप ही पार करोगे बेड़ा, इस सनातन धर्म का बेड़ा, हमारी संतति का बेड़ा, हमारी संस्कृति का बेड़ा, हमारे भारत देश का बेड़ा। अंधेरे में भटकती जिंदगी की राह बन जाओ हे भगवान मेरी नाव की। वो समष्टि का दर्द लिए बैठी थी मेरी नाव में, उनकी नाव इतनी बड़ी थी कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, इसीलिए असरोई धाम है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जहाँ जो लोग वहाँ जा पाते हैं, वो लोग धन्य हैं जो उस भूमि को नमस्कार कर पाए हैं, और वो लोग धन्य जो माता जी का प्यार पाए हुए हैं। माता जी हर संकीर्तन में होती हैं,
ये विश्वास है, उनकी कृपा से हम इस जगत को सतयुग से सजते हुए देखेंगे, हमें विश्वास है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कल्कि कल्कि पूरी शिद्दत से किया, कोई लौकिक कामना जीवन में नहीं रही। ऐसे लोगों की प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। गुरुदेव ने जो लिखा है कल्कि दिग्विजय नाटक में, ऐसे ब्राह्मण ऐसे संतों की ऐसी शक्तियों की कृपा से हम आज जय कल्कि जय जगतपते कर पा रहे हैं। मैं फिर आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को अभी महापंडित जी ने रमेश चंद्र मिश्र जी ने न्योता दिया है कि आप लोग जयंती के अलावा भी आया करें, तो आप सभी भक्तों का अगर सहयोग मिला तो बीच में एक बार हम वहाँ पे कल्कि भगवान का संकीर्तन करेंगे और वहाँ पे माता जी को 45 भजन सुना के आएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे विशेष रूप से प्रकाशित है। वैसे तो देखिए हर जगह उनका संचरण है, हर जगह उनकी लीला प्रसारित है, तो विशेष भूमि है वहाँ पे। अगर आप सभी लोगों ने अगर आज्ञा दी, आप लोगों का हमें अनुमोदन मिला, सहयोग मिला, तो हम निश्चित तारीख करके वहाँ 45 भजन गुरुदेव के नकारे वाले भाई साहब, ढोल वाले पूरा आपका सुरेंद्र भाई साहब पूरा सिस्टम लेके जाएंगे, उसमें कोई भी हमें कोताही नहीं करनी, बढ़िया से बढ़िया सिस्टम लेके जाना है। 45 भजनों का वहाँ पाठ करेंगे और माता जी को आगे रख के वो भजनों की संध्या होगी, मेरी ऐसी कामना है। वो मैंने आपको बताई दिया, एक प्रार्थना मेरी और है। अभी मौसा जी की उठावनी में एक भक्त मेरे को मिले जो हनुमान जी के भक्त हैं, उन्होंने कल्कि भगवान की भजनों की किताब ली, कल्कि भगवान के स्टीकर लिए। आप लोगों में भी कोई एक ऐसा अगर संकल्प करता है कि मैं 5 स्टीकर 5 मंदिरों में चिपका के आऊँगा, तो बहुत विशेष कृपा भगवान की प्राप्त होगी। आप अपने कल्कि भगवान के खजाने में से कम हर रविवार 4 स्टीकर 5 रुपए के तो खरीदिए। ये साहित्य में रुपया लगा हुआ आपका अनंत होगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। 5 रुपए की कीमत कोई नहीं होगी, 5 रुपए में 4 स्टीकर लीजिए। पहले तो सबसे पहले अपने प्रवेश द्वार पे लगाइए, घर के प्रवेश द्वार पे लगाइए, और एक अपने बिजनेस के स्थान पे लगाइए, और एक अपने पूजा के स्थान पे। 3 स्टीकर तो ये ऐसे लगाइए, और एक मंदिर में किसी समीप में मंदिर में पंडित जी की आज्ञा लेके, अगर आपने श्री कल्कि दिग्विजय नाटक अपने समीप के पंडित जी को दे के आए और उसको मोबाइल पे लिया, तो आपको विशेष पुरस्कार मिलेगा। वो मोबाइल पे जो आपने खींच के आए उस पंडित जी के हाथ में कल्कि दिग्विजय नाटक होना चाहिए, आपको भेंट करके आए, उनका चित्र समेत अगर उनका एड्रेस देंगे हमारी पूजा बहन को या हमारी संस्था में किसी को भी, उसको भी विशेष इनाम मिलेगा। ये एक मुहिम चला दीजिए, किसी भी मंदिर में किसी भी पंडित जी के पास श्री कल्कि दिग्विजय नाटक नहीं हो, ऐसा असंभव हो जाए। दिल्ली में अगर 5000 मंदिर है तो हम श्री कल्कि दिग्विजय नाटक सभी मंदिरों के पंडित जी को वहाँ पे भेंट करके आए, उनके चरण छू के आए, फिर अगली बार में उनको भेंट दे के आए भगवान कल्कि की ओर से, गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी महाराज की ओर से। ऐसा कीजिए, पहले स्टीकर से चालू कीजिए, स्टीकर यहाँ लाए हुए हैं, क्योंकि जय कल्कि जय जगतपति पद्मा पति जय रमापति हमें करना है, साथ में इसको लोगों को दिखाना है, क्योंकि एक अनुभव आया है कि भगवान के सामिप्य का प्राकट्य का समय समीप है, ऐसे में हम जितना कर लेंगे वो हमारा अनंत हो जाएगा, तो समय से ना चुके। कल्कि भगवान, हाँ, ये हमारी बिटिया ने एक अनुभव देखा, वो सुनाओ, जल्दी सुनाओ। किसी और ने भी अगर जय कल्कि के जगत में करने के बाद अनुभव देखा सुना सकता है, इतने आरती की तैयार हो रही है, हम जल्दी से आरती करेंगे। मैंने देखा कि एक ना घर है, उसके अंदर बहुत सारे भक्त हैं, तो फिर ना वो रोज हमें परेशान करते हैं, तो फिर ना मैं अपने पापा को बोलती हूँ कि आप एक कल्कि भगवान से पूछिए, वो मुझे तो नहीं बताएंगे, पर फिर मैं बोलती हूँ ना पूछिए, तो फिर कल्कि भगवान ना एकदम से आते हैं। मैंने बोला कि कल्कि भगवान आप मुझे मत बताएं, तो मेरे पापा को बताएं, तो फिर कल्कि भगवान एक आते हैं, फिर उस तरफ को इशारा करते हैं और फिर ना दिखाते हैं कि मतलब कह रहे हैं इतनी गऊएं कट रही हैं और मतलब इतना नाश हो रहा है, इतना कलयुग बढ़ गया है, अब तो मैं जरूर पृथ्वी में उतार लूँगा, तुम बस मेरी आने की तैयारी करो।
देखिए कल्कि भगवान सतयुग सहित प्रकट अवश्य होंगे। जैसे जैसे आप जय कल्कि जय जगतपति पद्मापति जरूर ज्यादा से ज्यादा रटेंगे भगवान की लीला आपके समीप आएगी। क्यों? क्योंकि आप अगर जय कल्कि जय जगतपति कर रहे हैं तो पहली बार नहीं कर रहे हैं, पहले युगों में पहले जन्मों में आपने किया है तो ही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ये बात पक्की है। जो आज जय कल्कि जय जगतपति महामंत्र से जुड़ा हुआ है जरूर उसने पिछले जन्मों में भगवान कल्कि की आराधना की है, किसी रूप में की है, उसको वो आगे बढ़ा रहा है। इस मंत्र के द्वारा आपकी आत्मा की उन्नति अवश्य होगी, ये निश्चित है। जय कल्कि जय जगतपति पद्मापति। हाँ जी, हरिण गर्ग से एक भजन बोल दीजिए। हाँ, छोटा सा भजन सुना दीजिए।